हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने हो रहे हैं, करीबन 2.5 महीने का टाइम हो गया कोई भी वीडियो बनाएं या कुछ भी करें, क्योंकि किसी चीज़ को भी मन ही नहीं करता। ऐसी आफत आन पड़ी सिर पर कि पूछो ना। अपना दुख तो काट लिया था, अब बेटी के नदान बच्ची, छोटी सी फूल सी बच्ची, इतनी हंसती मुस्कराती बच्ची, सिर्फ 6 साल शादी में हुए थे, ना कोई बच्चा ना कुछ और। अचानक 24 अप्रैल को शाम के समय मेरे से बात करता करता अचानक ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, तो कुछ नहीं कर सके। लेकिन ऐसा बच्चा दुनिया में ढूंढा हुआ नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे को भी, अपने सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना अच्छा शायद मेरा बेटा भी नहीं है। इतना अच्छा बच्चा दुनिया में ही मैंने तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। नेगेटिविटी को नहीं जानता था, कैसे भी माहौल हो जा उसको तुरंत पॉजिटिव बना देता, ऐसी उसकी सोच थी। सबको हंसाता रहता था, हंसता रहता था, लेकिन अचानक ऐसी घड़ी आई, कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। कुछ भी करने का मन नहीं है, पर क्या करूं, टाइम भी पास नहीं हो रहा। बेटी को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। माँ बाप अपना दुख काट सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं देख सकते हैं। इसलिए पार्क में आई थी थोड़ी देर के लिए, पार्क में आई थी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा कहीं, तो सोचा काफ़ी दिन हो गए। मेरी कुछ परिवार को भी पता ही नहीं कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो चलो अपना दुख शेयर करते हुए अपने परिवार, यूट्यूब परिवार से, तो आज बहुत ही मजेदार मेहमान के आगे किसी का चारा नहीं कर सकते, जो इसको मंजूर होता तो वही। और ये गलत भी नहीं करता किसी के साथ, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं वैसे हमें काटने पड़ते हैं। लेकिन इस जन्म में तो उस बच्चे ने कुछ नहीं किया था, तो आज इसीलिए सोचा धीरे धीरे भी अपना दुख साझा करके अपने परिवार को बताऊं और हिम्मत जुटाऊं कि दोबारा से अपना चैनल स्टार्ट कर सकूं और छोटी मोटी वीडियो बना सकूं। वीडियो तो इतनी बनी पड़ी हैं, क्योंकि शादी में से आई थी मैं उसी दिन। शादी की वीडियो आपने पहले देखी भी होंगी, डांस वगैरह की, A to Z कम से कम भी 100 वीडियो बनी पड़ी पूरी शादी की, मान बैठन की, घोड़चड़ी की, बारात की, हर चीज़ की, डांस की, गीतों की, लेकिन कुछ भी नहीं डाल पाई। तो अब सोचा धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, टाइम भी पास नहीं हो रहा, तो इसलिए आज हिम्मत करके थोड़ा सा आपको अपना दुख साझा किया है, आपको भी परेशान कर दिया, इसके लिए सॉरी सॉरी। मालिक ने तो यही कहते हैं, ऐसा दुख किसी को ना दे, सबके घर में खुशियाँ आए, सब खुश रहें। त्यौहार ऊपर से त्यौहार आया हुआ, सब को तेज की मुबारक, शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक, कल शिवरात्रि है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, जय श्री भोले, सबके घर में खुशियाँ आए।